ये हमारा फाइनल लुक ट्राउज़र का है। इस तरह से हमने इसकी बेल्ट लगाई थी, ठीक है। ये मैंने 3 इंच की बेल्ट लगाई थी, ठीक है। और इसका जो है कटिंग मैंने ट्राउज़र रख के करी थी। ये देखें इसका फाइनल लुक, मैंने इसमें लेस वेयर करी है और ये मोतियों वाली डोरी पैपिंग कहलाती है ये लगाई है। ये देखें ज़बरदस्त जो है हमारा ट्राउज़र बन गया है, ठीक है। इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे हुई है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दौरान जो मेरे चैनल पे नए हज़रात हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भी वॉच किया करें, एक दूसरे की मदद करें, मदद करने से अल्लाह भी राज़ी होता है। तो आज मैं आ गई हूँ नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊँगी। किस तरह से बताऊंगी, ये मैं अपना यानी कि जैसे मैं खुद सिलाई करती हूँ इस तरह से आप लोगों को बताऊंगी, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने एक ट्राउज़र सिलाई किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं अपने अंदाज से। अभी जो है मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। मैं इंची टेप से नहीं नाप करती, मैं जो है ट्राउज़र से नाप करती हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैं मतलब नाप कर रही हूँ बिल्कुल इजी फुल है, ठीक है। ये देखें तकरीबन आधा इंच कपड़ा जो है हम ऊपर बेल्ट से बढ़ाएंगे, यानी बेल्ट हम अपनी अलग लगाएंगे, आधा इंच जो है कपड़े का हम छोड़ देंगे ताकि ऊपर सिलाई के लिए, ठीक है। बेल्ट जो है हम 4 इंच की अलग से लगाएंगे। और ये देखें ट्राउज़र के पांचे के लिए इजिली हम यहाँ से देखें, ठीक है। ये है हमारी बेल्ट, इसकी अलग है, और ये शलवार का पांचा है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से हम जो है इजली तकरीबन 1 इंच कपड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 इंच कपड़ा बढ़ाने के बाद जो है हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे प्लेन, बहुत ही इजी है। आप लोग कटिंग करें स्टिचिंग करें ज़बरदस्ती, यानी कि हमारी जो है ट्राउज़र हम खुद कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी फुल है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ये देखें, ये कपड़ा भी डबल है हमारा, ठीक है। ये 4 पीस हो गए हमारे यूं डबल करके, ठीक है, ट्राउज़र के। ये देखें सीधा करेंगे तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर कहीं से अशरक है तो देखें यहाँ पे है अशरक, ये जो है इजीली आप यहाँ से कटिंग कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैंने करी है। सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है, आप खुद स्टिचिंग करें। ये देखें ये एक्स्ट्रा कपड़ा अलग हटा दिया मैंने, और ये जो है हमारे, ठीक है, डबल वाले कितने हो गए, 4 पीस, 2 ये हैं और 2 हमारे नीचे हैं, ठीक है। इजली है, बिल्कुल इजी सा ट्राउज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इजी इसकी बिल्कुल इजी कटिंग है। अगर इसका जो है अर्ज में कम है तो आप जो है इसका जोड़ भी डाल सकते हैं, ठीक है। जोड़ किस तरह से डालेगा वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। हमने ये जो किनारे हैं इसके बिल्कुल बिल्कुल बराबर करने हैं इस तरह से, और कपड़े को इस तरह से छटकेंगे थोड़ा सा ताकि इजी जो है बराबर हो जाए, ठीक है। इस तरह से बहुत ही इजी फुल है। अभी हम अपना ट्राउज़र इसके ऊपर रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि आसन में कम है, तो फिर हम इसमें जोड़ डालेंगे। ये हमारा जो है बराबर है तो हम इसमें जोड़ नहीं डालेंगे। ये देखें इसका आसन में कम था तो मैंने इसमें जोड़ लगाया है, ठीक है। मैं बेल्ट वाला ट्राउज़र बना रही हूँ, आप चाहें तो इसी तरह से प्लेन ट्राउज़र भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका भी हम यही मेजरमेंट रखेंगे, आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे, आधा इंच नीचे छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे इसके, यहाँ पे हम कट जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे ताकि इजी फुल हमें नज़र आए, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे, ट्राउजर के दोनों पांचों को मिला के इजिली रख लेंगे इसको, इसको आगे कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी होता है ये कटिंग जो होती है, यकीन माने बिल्कुल जबरदस्त। बस थोड़ा सा समझने की वो होती है कि वही बतना समझ में आ जाए तो इजी फुल आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। बेल्ट वाला ट्राउजर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी लोग जो है ट्राउजर सादा होता है तो फट भी बहुत जल्दी जाता है, तो बेल्ट वाला ट्राउजर ऐसा होता है जितना भी आप उसको पहनेंगे फटेगा नहीं, कपड़ा पुराना हो जाएगा बट फटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैं जो है इसको पहनती हूँ। ये देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा मैंने एक इंच छोड़ा इसका, फिर एक इंच छोड़ के फिर मैंने कटिंग कर ली। अभी हम जो है एक इंच छोड़ के कटिंग करेंगे इसकी, ठीक है। इस तरह से करेंगे, बिल्कुल इजी होता है। ये देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल इजी फुल हमारा ट्राउजर बिल्कुल कटिंग हो गया है। अभी हम इसके बीच में से काट लेंगे जो डबल है, ठीक है, और इसके तकरीबन जो हमने कपड़ा छोड़ा था एक इंच, वहीं पे हम निशान लगा लेंगे, कैंची से कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा अंदाजा हो जाए। इसी के साथ हमने यहाँ पे भी छोड़ा था उसमें भी कट लगा लेंगे। वैसे मैं कटिंग कट नहीं लगाती हूँ लेकिन आप लोगों के लिए इजी हो जाए इस वजह से मैं कट लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अगर नए सीने वाले हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको हम कटिंग जो है हमारी इसकी कंप्लीट हो गई है, अभी हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अभी हम इसमें से चेक कर लेंगे, अगर इसमें से बेल्ट बनती है तो इसमें से बनाएंगे, वरना जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसमें से भी बेल्ट बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। बेल्ट का अंदाज भी मेरा यही काटने का है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से मैं बेल्ट काटती हूँ। तकरीबन रखती हूँ 3 इंच बेल्ट, ठीक है। इसको यही कटिंग कर लेते हैं, 3 बालिचें, सॉरी, ठीक है, 3 इंच बोला है मैंने, 3 बालिचें मेरे, ठीक है। मैं बालिच के हिसाब से बेल्ट कटिंग करती हूँ। इजी हो जाता है बिल्कुल, यकीन माने इजी कटिंग है और इजी भी इसकी स्टिचिंग है। इसी तरह जो है हमारा बचा हुआ कपड़ा भी काम आ जाता है। ये बड़े अर्स का कपड़ा था, काफी छोटे अर्स का कपड़ा होता है ना, तो वो जो है बेल्ट नहीं बनती उसमें। फिर हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, ये देखें ये बेल्ट से भी बड़ा है, तो हम इसकी फिर कटिंग करेंगे। ये मैंने 3 बालिच ली थी शलवार की बेल्ट, ठीक है। मैं भी आपको दिखाती हूँ शलवार की जो बेल्ट मैंने आपको बताई थी बेल्ट लगानी है, तो ये देखें ये है इसकी बेल्ट, ठीक है। ये बेल्ट मैंने अलग से लगाई हुई है, ट्राउजर मैं बना रही हूँ बेल्ट वाला, ठीक है। एक बेल्ट वाली शलवार आती है चुनों वाली, वो नहीं है, ये सिंपली ट्राउजर है। ये देख सकते हैं आप लोग
बिल्कुल ओके है ये मेरा अंदाज, यानी कि इस तरह से है कि मैं बालिश से नाप के पूरा बनाती हूँ, ये तीन बालिश है। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें से जो बढ़ा हुआ कपड़ा है वो हमने कटिंग करना है। तकरीबन आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं इसकी, इजली है, जो कटिंग होता जाए उसको आप ऊपर करते जाएं, आसानी से सीधा हो जाएगा। ठीक है, इंची टेप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ये देखिए, बिल्कुल इजी है बेल्ट भी इसकी कटिंग करनी, देख सकते हैं आप लोग, बेल्ट भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए, ठीक है, अभी हम चलते हैं इसको स्टिचिंग करने के प्रोसीजर की तरफ। चलिए जी, आ गए हैं स्टिचिंग करने के प्रोसीजर में। यहाँ पे मैंने दे लिए है मोतियों वाली पैपिंग, ठीक है, डोरी पैपिंग कहलाती है, और यहाँ पे मैंने ले ली है ये लेस ट्राउज़र में लगाने के लिए। तो इसको थोड़ा साइड में करते हैं, ये मैंने इसकी बेल्ट उठा ली है, ठीक है, इसकी बेल्ट की स्टिचिंग करते हैं। ठीक है, हमारा सीधा जो था वो अंदर की साइड है, उल्टा है, तो हम इसको यूँ रख के स्टिचिंग करेंगे। जितना जितना हमने मार्जिन यानी कि हमने इसकी सिलाई के लिए छोड़ा था, हम जो है उतना उतना अपना स्टिचिंग करेंगे, साथ के साथ धागे भी काटते जाएंगे ताकि सारे काम जो है हमारे फिनिशिंग से हो जाएं। इस तरह से मैं जो है इलास्टिक इसमें नहीं लगाती हूँ, तो मैं जो है इसकी यहाँ पे इलास्टिक डालने की जगह बना रही हूँ। आप अगर इलास्टिक डालते हैं तो फुल सिला जाएगा, ठीक है, मैं इसमें बाद में इलास्टिक डालती हूँ। ठीक है, इससे इजी फुल है, बहुत जल्दी जल्दी सिल जाता है। ठीक है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और पूरा ही हमने इसको स्टिचिंग कर लेनी है। ठीक है, आप चाहें तो ये जगह ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूं भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके धागे नहीं निकलेंगे, किनारा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा दबाऊंगी फिनिशिंग के लिए। बहुत ही इजी है घर में कपड़े सिलाई करने, अंदाजे से आप सी सकते हैं, इसमें इंची टेप का भी कोई झंझट नहीं होता कि इंची टेप से हम कैसे कटिंग करें क्या करें, तो अंदाजे से भी कटिंग हो सकती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और बहुत जल्द सिल जाते हैं कपड़े। ठीक है, जिस तरह से मैं स्टिचिंग करती हूँ मैं आप लोगों को भी उसी तरह बता रही हूँ। यहाँ पे हमने पक्का कर देना है ताकि हमारी सिलाइयाँ जो हैं वो ना उधड़ें।
धागे जो है हमने फिनिशिंग से काटते जाना है। ये देखें हमारी बेल्ट जो है वो तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसको जो है हम साइड में करते हैं, ट्राउज़र ले लेते हैं। ट्राउज़र भी इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। इसका जो है अंदर का हिस्सा जो है सीधा है, तो इस तरह से हम मिला लेंगे इसको, दोनों भाग जो है हमारे यूं हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन ये है कि जिसके लिए, जिसको स्टिचिंग आती है उसके लिए इजी है। बहुत ही जल्द सिल जाता है ट्राउज़र, झंझट बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर हमारी कटिंग हो तो हम तकरीबन एक घंटे में ही सूट सी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डिज़ाइनिंग वाला वो भी, ठीक है, फुल डोरी पैपिंग वाला। मैं तो इस तरह से मतलब एक घंटे में सूट सी लेती हूँ। ये देखिए दोनों भाग इसके जैनी के दोनों हिस्से जो है मैंने स्टेच दोनों साथ जोड़ लिए हैं, ठीक है। अभी जो है नीचे की सिलाई मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करूँगी। यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये सीधी साइड है हमारी जहाँ पे मोती इस साइड है, ठीक है, और ये हमारी उल्टी साइड है। हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने निशान लगाया था पांचों का, ट्राउज़र के पांचों का, वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। मैंने बूट चेंज करा है, ठीक है, एक एक पैर वाला बूट है मेरे पास, ठीक है। पहले मैंने लगाया हुआ था वो ये था डबल, अभी मैंने सिंगल लगा दी है। पैपिंग के लिए, मोतियों वाली पैपिंग हो या डोरी पैपिंग हो, उसके लिए आपको सिंगल बूट ज़रूरत होता है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी पैपिंग जो है वो सही नहीं बैठती। इसी के साथ मैंने धागा ब्लू भी लगा दिया है, आप चाहें तो पिंक कलर का भी धागा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा पांचों के अंदर चला जाना है तो उसमें कोई मसला नहीं है, ब्लू भी लगा सकते हैं आप लोग और पिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके नाप का पूरा कटिंग करेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हमने क्या करनी है, इसको इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए, ये देख लें, पूरी फिनिशिंग से आनी चाहिए एक इक्वल। अभी हमने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने जो एक्स्ट्रा ट्राउज़र का पांचा लिया था उसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे रख देंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसका काम बाद में भी कर सकते हैं एंड में, लेकिन हम पहले कर लेते हैं। ये हमारा ट्राउज़र का पांचा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो सही रहता है, इस वजह से हमने फ्यूजिंग नहीं लगाई है, तो इसमें कपड़ा होना ज़रूरी है। जैसे हम फोल्ड करते हैं, फोल्डिंग का कपड़ा हमने इसमें लगा दिए। बिल्कुल इक्वल आई है इस हमारी जो सिलाई है, ठीक है, पूरे ट्राउज़र में, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरे पांचे का भी लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरे ट्राउज़र के पांचों में भी इस तरह से लगा ली है। अभी हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे दोनों सिल के रेडी हो गए, ठीक है। अभी हमने वो दूसरी वाली ये वाली लेस लगानी है इसमें, ये वाली। इसके लिए हमें क्या करना है दिखाती हूँ भी आपको, दोनों को एक पल रखना है, एक एक यानी के बराबर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा झटक लेंगे ताकि इजी हो जाए, इस तरह से टेबल पे बिल्कुल सीधा रखेंगे,
ठीक है, आपने जितने फासले पे लगानी है तो आप अपने अंदाजे से फासला करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लगानी है तकरीबन 4 उंगल तक। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको यूँ फोल्ड कर लूँगी, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ से भी नापेंगे तो 4 उंगल है, और यहाँ से भी नापेंगे 4 उंगल पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस साइड थोड़ा जो है वो ठीक है, ये देखें 4 उंगल हो गया और यहाँ पे भी 4 उंगल हो गया, तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कटिंग पहले क्यों नहीं करी। पहले इसलिए नहीं करी कि ये हिस्से जो होते हैं हमारे छोटे बड़े हो जाते हैं, यानी कि हम दूसरे का दूसरे को लगा देते हैं, दूसरे का दूसरे को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये लगा के हमने कटिंग करनी है, ये देखें। ठीक है, अब ये हो गए अलग। ठीक है, अलग में हमने क्या करना है इसका, ये देखिए। ठीक है, बिल्कुल सीधे हो गए, ये देखें। ठीक है, ये जो हमारी लेस है उल्टी सीधी है। ठीक है, हमने उल्टी सेट इधर रखनी है और इसको स्टिचिंग कर लेना है। ठीक है, इस तरह से स्टिचिंग हमारी बिल्कुल करीब होनी चाहिए इसके, ये देखें बराबर होनी चाहिए सिलाई के, यानी उल्टा साइड हमारा ऊपर है और ये सीधा साइड हमारा नीचे है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है और इसको स्टिचिंग करना है बिल्कुल मिला के, यानी कि हमारी जो लेस के ये भी बिल्कुल इजी है लगाना। ठीक है, ट्राई करिएगा, ज़बरदस्त लग जाती है वो, बहुत ही इजी फुल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कटिंग कर लिया हमने। ठीक है, ये देखिए, बिल्कुल इक्वल आता है। फिर हम इसके ऊपर एक सिलाई कर देंगे इस तरह से, कपड़े को हटाते हुए, ये देखें हमारा सीधा साइड ऊपर आ गया और उल्टा साइड नीचे चला गया। तो इसी के साथ मिलाते हुए, बिल्कुल मिलाते हुए हमने सिलाई करनी है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल मिलाते हुए, ताकि फिनिशिंग आ जाए हमारी। फिनिशिंग के लिए हमें इसे प्रेस भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे आराम से इजिली जो है हमारी लेस इसमें बैठ जाती है, इस तरह से। काफ़ी लोग प्रेस करके भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है आपके सामने नहीं कर रही हूँ। अभी मैं इसकी फिनिशिंग आपको दिखाती हूँ, किस तरह से इसकी फिनिशिंग आती है, ये देख रहे होंगे आप लोग। देखें कितनी फिनिशिंग से जो है हमारी लेस लगी है, ये देखें किनारा जो है इक्वल आना चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए। तो हमने इसी का हिस्सा ले लेना है। ठीक है, हमें ये अंदाज़ा रखना चाहिए इसका हिस्सा कौन सा है और उसका हिस्सा कौन सा है। हम जब ये नाप करेंगे ना, ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये नाप करेंगे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा हिस्सा कौन सा इसका, ये देखेंगे ये इक्वल इसी का ही है। ठीक है, अभी हम इसको कर लेते हैं स्टिचिंग। ठीक है, इसको भी हम उल्टे साइड, अंदर का साइड इसका सीधा है, बिल्कुल इक्वल इक्वल करना है हमने। धागा हमारा निकल गया, हम धागा डाल देते हैं। बिल्कुल इक्वल जैसे हमने उसको करा है, इसको भी हम बिल्कुल इजी ओके इस तरह से लेस अटैच कर देंगे, ट्राउज़र को फैंसी बना देंगे, यानी हमारा ट्राउज़र जो है बड़ा फैंसी बन जाता है, ऐसे सिंपल से अच्छे भी नहीं लगते और फैंसी ट्राउज़र ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से हम अगर डिज़ाइनिंग करने के लिए टेलर के पास जाएं तो बहुत सारे पैसे लेता है डिज़ाइनिंग के, तो हम घर में बैठे खुद ही कर सकते हैं। जैसे थोड़ी बहुत ही डिज़ाइनिंग आती है बंदे को तो बंदा खुद ही कर सकता है, बहुत ही ईजी फुल है। और इसकी शर्ट की भी मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी और उसकी स्टिचिंग भी आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग दिखाई है आपको।
बिल्कुल इजी है, शर्ट सीना भी बिल्कुल इजी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस थोड़ी सी समझने की बात होती है इसमें, कि समझ जाएं तो फिर हम खुद ही इजी से सब काम कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह से आप खुद देख लें इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। अभी दूसरी सिलाई नहीं लगी, अभी दूसरी सिलाई लगाती फिर आप देखिएगा। इसकी सिलाई भी हमने बिल्कुल ऐसे ही लगानी है जैसे हमने उसमें लगाई थी, बिल्कुल इजी हो गए। ठीक है, ये देखें हमारे ये किनारे जो है ना दोनों, ये देख रहे होंगे ये जो जोड़ हैं दोनों बराबर है। अगर दूसरे का लगा देंगे तो आगे पीछे हो जाएगा, इस चीज़ का ख्याल करना है हमने। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत ट्राउज़र लग रहा है। पहले भी आपने देखा था और अभी भी आप देख सकते हैं इसका लुक। अभी मैं दूसरे को लगाती हूँ, फिर आपको इसके अंदर की स्टिचिंग बताते हैं किस तरह से होगी। हमारा दूसरा ट्राउज़र का पांचा भी देखें रेडी हो गया है। इस तरह से फिनिशिंग देख लें आप, मैंने कोई प्रेस नहीं करा, सिर्फ स्टिचिंग करी। ठीक है, ये वाला पहले सिया था, वो वाला भी सिलाई करा है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं ऊपर की स्टिचिंग के लिए। ऊपर की हमने स्टिचिंग आसन जो है बराबर जोड़ने हैं। ठीक है, पहले सिलाई हमने कर ली थी, आपको दिखाई है, अभी हमने इसके आसन बराबर जोड़ने हैं और ये कट्स यहाँ पर लगाना है। ये देखें इस तरह से ईजी लग जाता है ये कट। दूसरा कट भी हमने इसी को पकड़ते हुए, ये देखें इसी को बराबर रखना है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से हमने इसका कट्स लगा लेना। ठीक है, ये हमने कट लगाए हैं चुनों के लिए। ठीक है, अभी हम इसमें बेल्ट में भी यही कट लगाएंगे। बेल्ट हमारी जो रेडी है, काफ़ी लोग बेल्ट बहुत बड़ी रख देते हैं तो पहनने में थोड़ी अजीब सी लगती है। ठीक है, बेल्ट छोटी ही अच्छी लगती है। ठीक है, 4 इंच की तकरीबन बेल्ट है मेरी, मैं अपने अंदाजे से रखती हूँ। बेल्ट को भी हम ऐसे ही कट्स लगाएंगे। ठीक है, ये देखें कट्स लगा देंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारे कट लगे हैं। ये देखें, ठीक है, अभी हमने इसको खोल लेना है ट्राउज़र को। ये देखें, ठीक है, ये आप देख रहे हैं निशान इसका, और ये हमारे ट्राउज़र का निशान है। ठीक है, इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेना है हमने। ठीक है, और इजी होते हुए हमने यहाँ से स्लाइस की जो है स्टार्ट करनी है यहाँ से। ठीक है, कट के उस साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है हमने। उस साइड से क्यों करनी है वो मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें देनी है चूनटें बेल्ट में, शलवार में, तो इस वजह से हमने ये देखें कट के उस साइड जाके निशान पर सिलाई करनी है इस तरह से। ठीक है, इजी जो है, ये देखें हमने यहाँ बेल्ट और आसन के निशान को मिला लेना है। कितना हमारा कपड़ा बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे चुने भी साथ में साथ देने जाना है, देते जाना है। थोड़ा सा हम सिलाई करेंगे बस, इसके बाद हमने चुने देनी है। ठीक है, चुने तकरीबन हमने 1-1 इंच की देनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से बेल्ट वाला ट्राउज़र है, तो बेल्ट में के ट्राउज़र में जो है चुने मोटी मोटी आती है। ठीक है, पतली वाली नहीं आती है, तकरीबन 1 इंच का फासला होगा और 1 इंच की हमारी जो होगी प्लेट डाली जाएगी। प्लेट बोल सकते हैं, चुने भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस तरह से इजी है, ये देखिए। और ये जो हमारा आसन का कपड़ा हमने पर इसका यूं कर लेना है। ठीक है, और ये वाली जो है हमारी चुने जितनी हमारी इधर से दूर हुई है इतनी हमने इधर से दूर करके फिर चुने डालना है स्टार्ट करना है। बस ये देखें, इसको हमने हटा लेना है ऊपर के कपड़े को, और नीचे के कपड़े को हमने इजली इस तरफ मोड़ के रखना है। उसको हमने इस तरफ मोड़ा था, यानी यूं मोड़ी थी। ठीक है, अभी हमने इसकी चुने जो है इस साइड देनी है। ये देखें
ठीक है, तकरीबन 1 इंच का कपड़ा हमने अंदर देना है, ठीक है। फिर थोड़ा फासला करेंगे 1 इंच 1 इंच का, ठीक है। फिर हमने इसको परत देना है और इसको सिलाई कर देनी है। इधर से हमने अपना कट्स भी इसी के साथ जोड़ लेना है ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी चुनिया भी कितनी इसमें आएंगी। ये भी हमने अपने जहन में रखना है कितनी चुने आएंगी, इसको भी साथ के साथ हमने ज्वाइंट करने जाना है, ज्वाइंट करते जाना है। अभी हमारी एक चुन और आएगी, ठीक है, और फिर से कट्स को मिला के हम चेक कर लेंगे, इसको इसको पकड़ लेंगे और इधर कट्स को ये देखें मिला लेंगे, ठीक है। ये दोनों कट्स जो हमारे मिल गए हैं, अभी हमारी एक ही चुन आएगी। अभी इधर से भी हमने यही करना है कि जितना फासला है हमारा, ठीक है, ये देखिए, इजीली हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी चुने कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से शुरू करूँगी, इसकी चुने जो हम यहाँ से ही ओढ़ूँगी, ठीक है। जहाँ से आसन है वहाँ से अपने ये ख्याल करना है इसका कि इस साइड की चुने इस साइड आएंगी, उस साइड की चुने इस साइड आएंगी, ठीक है। ये मैं अभी आपको फिर से गाइड करूँगी, बताऊँगी। बेल्ट वाला ट्राउज़र ऐसा होता है, इजी फुल होके बंदा पहनता है और ज़बरदस्त चीज़ है। सादा जो ट्राउज़र होता है बहुत जल्द फट जाता है, तो इसीलिए बेल्ट वाला ट्राउज़र जो है, कपड़े पुराने हो जाते हैं पर बेल्ट वाला ट्राउज़र जो है ना पुराना नहीं होगा, ठीक है। बीच में भी एक बेल्ट और डलेगी, ओके। जिस साइड हमारी बेल्ट की सिलाई लगी हुई है हम कपड़े को उसी तरफ मोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हुई हुई है पहले से, तो इसको हम जो है इजिली ऐसे मोड़ के रखेंगे, ठीक है। ज़बरदस्त सिलाइयाँ जो है, इंसान को बस थोड़ा सा मेहनत करने की है, इजी फुल होके बंदा खुद घर में बना सकता है, इस तरह से ज़बरदस्त चीज़ तैयार हो जाती है घर में, यानी आपको टेलर की भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो खैर नहीं है। जो आखिरी में बचता है उसकी भी हम इस तरह से बेल्ट बना लेंगे, ये इनके चुन दे देंगे। यहाँ पे हमारी मिनी सी चुन आई है, तो कोई मसला नहीं, ये जाना है ऊपर की साइड, तो इसको कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी चुनाई दिखाती हूँ, ये देख लें, ठीक है। ये देखिए इस साइड होनी चाहिए, ये भी इस साइड होनी चाहिए, यानी दोनों के मुंह जो हैं बराबर हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, काफ़ी लोग गिन के भी चुने डालते हैं, आप गिन के भी डाल सकते हैं कि इसमें इतनी आई हैं और उसमें भी इतनी आएंगी, ये देखें, ठीक है। ज़बरदस्त ट्राउज़र तैयार हो जाता है। और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा दूँ इसका, ये देखें धागे हमने जहाँ से हमें नज़र आए साथ के साथ काटते रहना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से आएंगी चुने और इसकी इस साइड से आएंगी, ठीक है। अभी हम इसकी बेल्ट की ऊपर की सिलाई जो है वो लगा देते हैं, इसमें हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ तकरीबन हम 1 इंच आधे इंच की सिलाई जो है बेल्ट पे, ठीक है। यानी हमारा ये जो बूट है इसके ऊपर आखिरी जो है इसके ऊपर होना चाहिए, इस हिसाब से भी आप सिलाई लगा सकते हैं इसकी, इसी तरह से पूरी लगा लेते हैं।
इसमें बारीक सिलाई भी आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बेल की सिलाई थोड़ी सी मोटी होती है। यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे, पक्का कर लिया। ये बेल्ट का जो कपड़ा है हमने ऊपर की साइड करना है, फिर हमने स्टिचिंग करनी है, ये देखिए। ठीक है, अभी मैं इसका जो है दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमने जोड़ना है, ये देखिए। ठीक है, जहाँ तक हमने कट लगाए थे हमने सिलाई अपनी वहीं तक रखनी है। ठीक है, उल्टा है ट्राउज़र का पांचा जो उल्टा कर लेना है। अभी इसका जो मैंने दूसरा ट्राउज़र था उसके पांचों से नाप करना है इसका। ये हमने ट्राउज़र ले लिया जिसकी नाप हमने करी थी। ठीक है, इसको बराबर कर लेना है और इसी को इसी के साथ रख लेना है यूँ। ठीक है, नाप के लिए हमें ट्राउज़र ही चाहिए होता है क्योंकि हम जो है नाप अंदाजे से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ट्राउज़र ज़रूरी है। ठीक है, ये देखें, ये जो हमारा कपड़ा बर्ड है इसको हम स्टिचिंग में देंगे, इसी को पकड़ेंगे यहीं और स्टिचिंग करेंगे। बढ़ा के इसलिए रखा था ताकि हमारा कपड़ा जो है कम ना हो, अगर ज़्यादा होगा तो हम इसको कटिंग कर सकते हैं इजिली, अगर हमारा कपड़ा कम हो गया तो हम उसको पूरा नहीं कर सकते, इस वजह से है जो है हमने बढ़ा के इसको रखा था। यहाँ पे हमने पक्का करना है अच्छे से और ये देखना है, ये देखिए हमारी लेसें जो है ना दोनों बराबर आनी चाहिए, ये देख लें आप। ठीक है, ये आपने ज़रूर देखना है इस तरह से। एक इंच का जो है हमने ट्राउज़र में कटिंग करते वक्त छोड़ा था, आप देखें उसमें जो हमने छोड़ा था वो हम इसके अंदर स्टिचिंग कर देंगे। ठीक है, तकरीबन ये हमारा 1.5 इंच का कपड़ा है। ठीक है, 1 इंच नहीं है, जितना हमने नाप करते हुए अंदर छोड़ दिया था उतना ही हमने इसकी सिलाई कर ली। हमने इसकी सिलाई आसन की भी इस तरह से करनी है नाप करके, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर कोई बड़ा छोटा है तो इजिली आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी तकरीबन 1.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तकरीबन 1.5 इंच है, 1.5 इंच है। ठीक है, इसको भी हम सिलाई में लेंगे, यहाँ हाथ रख लेंगे और इसको ऊपर वाले को हटा लेंगे, इसको हम सिलाई में ले लेंगे। इस तरह इसी तरह से यहाँ हम छोड़ेंगे इसको, फिर हमने पांचे की साइड से पकड़ लेना है। ठीक है, ये देखिए, फिर हमें उस ट्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती, फिर इजीली हम इसी के नाप कर लेंगे, ये देखिए इसी को पकड़ लेंगे और इजी इसी का नाप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको इजीली जो है हम इसी का नाप करके हमने स्टिचिंग करनी है। लास्ट की सिलाइयाँ जो है पक्का करना बहुत ज़रूरी होती हैं, वो इसलिए कि काफ़ी ट्राउज़र जो है नीचे से भर जाते हैं।
खुद बंदा सिलाई करने वाला होता है, जो भी डिजाइन दिल करता है बंदा सिलाई करके पहन लेता है। ऐसे आजकल के यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा इंसान को यानी कि तजर्बा हो गया है। हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। चलें जी, आप देख लें मेरे ट्राउज़र का लुक जो है बिल्कुल फाइनल लुक आ गया है। ठीक है, स्टिचिंग हो गया है। ठीक है, आप चाहें तो ये वाले जो छोटे मोती होते हैं ना, ये आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं इस तरह से करके। ये देखें, ज़बरदस्त लगेगा आप चाहें तो, वरना ऐसे भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये हमने सिलाई कर लिया है और हमने ट्राउज़र की नाप का सिया था, तो मैं अभी आपको नाप करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, इसका जो है फाइनल लुक आपको दिखा दिया है। और ये इसकी नाप जो है बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इस तरह से आप ट्राउज़र घर में रेडी कर सकते हैं और पहन सकते हैं ज़बरदस्त सा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह आ जाएंगे नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।